हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार सुमित भाई। ह्यूंडई के शोरूम में आओ और जब चीज़ देखने को ऐसी मिल जाए ना, ओए होए हो, क्या बात है यार। चला शोरूम के अंदर तो चमक भी अलग ही आती है, ऐसे ही दीवाने नहीं है इस चीज़ के यार, क्या बात है। SX वेरिएंट है और लुक अलग दे रहा है भाई, अंदर चमक रहा है अलग। लेकिन आज फिलहाल फोकस इस पर नहीं रहना, अपना जो फोकस रहना है वो है इधर छुपी हुई, क्या बात है। बिल्कुल सक्सेस में इस समय बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन दे रखा है ह्यूंडई के इंडिया में। सामने अपने हैं टॉप एंड वेरिएंट, बिल्कुल डीजल में, मतलब डीजल इंजन के साथ SX ऑप्शनल ऑटोमेटिक। बिल्कुल भाई करीब करीब 1,60,000 रुपये के अराउंड एक्स्ट्रा पड़ जाता है आपको, ऑन रोड की बात कर रहा हूँ मैं। जो हमारा ये है नॉर्मल मैनुअल से, सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बस जो हमारा ट्रांसमिशन है वो चेंज हो जाएगा। बात करेंगे इसके फीचर की, बाकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की तो भाई हिसाब से लगा लेना। अगर किसी को टॉप मॉडल की वीडियो देखनी है SX ऑप्शन की तो भी यही होगी, और भाई अगर ऑटोमेटिक की करें तो ऑटोमेटिक भी दिख जाएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिशन का ही तो फ़र्क है, और रेटों का फ़र्क है रेट मैं बता ही दूंगा। फिलहाल अगर इसकी बात करें तो भाई 17,85,000 रुपये, और ऑन रोड की बात करें तो भाई करीब करीब 20,65,000 रुपये, क्या बात है। मतलब सुनते ही ऐसा जोर का झटका लगता है कि भाई क्रेटा जो आज से 2-4 साल पहले तक मतलब ऐसे 13-14 लाख रुपए की आ जाती थी, आज 20,65,000 रुपए की पड़ रही है। तो बिल्कुल भाई इस तरह से ब्लैक कलर में है, गजब की लग रही है, ऊपर फिल्म वगैरह चढ़ी हुई है पूरी, प्रोटेक्शन फिल्म, लुक अलग ही आ रहा है। पहले निहार लें वीडियो तो फिर शुरू करते हैं, मज़ा अलग सा आ रहा है। फिलहाल एक बार चाबी दिखा दूँ इसकी, और ये है कुछ इसकी की, 4 बटन वाली है, होल्ड करके रखेंगे स्टार्ट भी हो जाती है। भाई लग्जरी अगर पैसे खर्च कर रहे हो ना तो इतनी तो फीचर मिलने चाहिए। फिलहाल बात करें फ्रंट से, फ्रंट आप देख ही रहे हो, देखा भाला है, मस्त सी चौड़ी सी ग्रिल है, 1790 mm चौड़ाई है गाड़ी की, और अगर लेंथ की बात करें तो 4300 mm, मतलब वो सेगमेंट है जो एक प्रीमियम क्लास की अगर तब जाते हैं तो भाई यही आता है, और इसी सेगमेंट के लिए टाटा इस समय जूझ रही है। जब आएगा उसका प्रोडक्ट तब आएगा, लेकिन फिलहाल अगर किंग कहें इस सेगमेंट में तो क्रेटा ही है। इस तरह से लुक मिल रहा है आपको, क्रोम का एलिमेंट, वैसे जनरली अब देख रहे हैं तो ब्लैक की तरफ लोग भाग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्रोम का एलिमेंट दिया है और काफ़ी ज़्यादा सूट होता है, चाहे हम डोर हैंडल की बात करें, यहाँ पर जो हमारे अलॉय व्हील हैं उसमें भी आपको डायमंड कट वाला एक क्रोम वाला फीलिंग आएगी। और भाई यहाँ ग्रिल में क्या बात है, बेस मॉडल में ये वाली ग्रिल लगवाते हैं, 10,000 रुपये की ग्रिल आती है। इस तरह से आपको पूरा लुक मिल रहा है, ट्राई बीम वाली यहाँ पर आपको फुल LED सेटअप दिया हुआ है, ये हमारा यहाँ पर मिल जाता है इस तरह से, DRL ऑलवेज ऑन मोड में रहती है। नीचे आपको मिल जाती हैं यहाँ पर भाई फॉग लैंप और इंडिकेटर भी यहाँ पर दे देना चाहिए था, मतलब इस तरह से अगर जलता ना मज़ा सा अलग आता LED में, लेकिन यहाँ पर हेलोजन बल्ब के साथ मिलता है। नीचे आपको स्किड प्लेट मिलती है, इतनी बड़ी सी, लोग क्या ही कहें, हाय हाय मज़ा अलग देती है भाई ये गाड़ी जब जाती है, और इस तरह से चमकती होनी चाहिए, मज़ा तभी आता है असली। अब रिफ्लेक्शन देखो आप, पीछे जो भी गाड़ी है मतलब यहाँ पर है सेंट्रो, और भाई ये अलग चमक रही है गाड़ी के अंदर। बात करें व्हील की तो भाई व्हील की इनकी इतनी मारा मारी है, बेस मॉडल में भी ये लग रहे हैं, और कितने महंगे हो चुके हैं इस समय, करीब करीब सिर्फ एलॉय की बात करें तो करीब यार 37-38 हज़ार रुपये के ये पड़ते हैं, और बड़े ही महंगे हो गए हैं। इस तरह से आपको टायर मिलता है, इसमें तो लगे लगाए हैं, खैर टॉप मॉडल यही है। तो भाई टायर प्रोफाइल की बात करें, 215/60R17 के हैं, डिस्क ब्रेक मिल जाती है, आगे भी डिस्क ब्रेक मिल जाती है पीछे भी, और हाँ जिसके लिए आप करीब 1,60,000 ऊपर दे रहे हो तो वो ये है ऑटो की बैजिंग। कन्वीनियंस इतनी हो जाती है आराम से, बाय द वे 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर मिलता है इसमें आपको, तो टेंशन ही कोई नहीं है, कोई आपको ये फीलिंग धक्का वक्का कोई फीलिंग नहीं होती, आराम से स्मूथली। हाँ थोड़ा सा असर ज़रूर पड़ता है माइलेज पे, AMT में कोई असर नहीं होता है, इनफैक्ट अब तो AMT इतना ट्यून्ड अप कर दिया है, AMT मैनुअल से ज़्यादा ही देने लगा है कंपनी के क्लेम के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर करीब वैसे आपको जनरली मैनुअल में ये 21 का देती है, यहाँ पर ये 19 का माइलेज देती है जो कंपनी क्लेम कर रही है डीजल में। इस तरह से डोर हैंडल हैं, और भाई ये आपको एलिमेंट टॉप में भी मिलता है, अगर इसको ख़त्म करें तो एक बार इमेजिन करेंगे कैसी लगेगी, लगेगी फिर भी सही, अच्छा लगेगा। और भाई ये कुछ लुक है, ऊपर आपको रूफ रेल मिल जाती है, लोड नहीं डालना उस पर, लुक के लिए है बस। और जैसी फ्रंट में आपको स्किड प्लेट दी थी वैसे साइड में सेम पैटर्न पर है, स्कर्टिंग टाइप की है, अच्छी लग रही है। ग्राउंड क्लियरेंस अगर देखते हैं तो करीब 190 mm का है, और अगर बात करें व्हील बेस की तो 2610 mm का व्हील बेस हो जाता है, देखने में क्या सॉलिड लगती है, मतलब हर प्रोपोर्शन से गाड़ी लगती मस्त ही है। ग्राउंड क्लियरेंस देखते हैं तो ओके है, कोई इशू नहीं, ठीक है, सफिशिएंट है। व्हील बेस देखते हैं तो भाई लेंथ के हिसाब से या सेगमेंट के अकॉर्डिंग सेट है। अब आती है बात रियर की,
भाई जितना प्यार लोगों को फ्रंट से है ना, उतना ही प्यार रियर से भी है। इसने अलग ही एक लुक दिया है। हाई माउंट स्टॉप लैंप जो कि ऊपर होता था इस गाड़ी में यहाँ पर आ गया, और वाइट कलर में तो पूरी पट्टी ब्लैक की अलग ही दिखती है, लेकिन ब्लैक कलर में भी मज़ा दे रही है। क्रेटा बीच में लिखा हुआ हुंडई का लोगो है, डिफॉगर भी है, वाइपर भी है, ऊपर स्पॉयलर भी है, और यहाँ शार्पिन एंटीना कवर्ड है पूरा। ये ऊपर इसीलिए आता है क्योंकि जो ऊपर का सरफेस, मतलब धूल मिट्टी कैसे बैठती है, ऊपर से नीचे को बैठती है, तो जो भी हमारा बिल्कुल फ्लैट सरफेस होता है, जैसे आगे का बोनट हुआ, रूफ हुई, यहाँ पर आपको पूरी ये रैपिंग करके दे देते हैं, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा धूल होती है। और भाई प्रोन होता ही है बहुत ज़्यादा यार ये ब्लैक कलर जो है, और ये ब्लैक हमको वैसा सॉलिड ब्लैक नहीं मिलता। देखो भाई अंदर आपको स्पार्कल जैसे दिखेंगे, देख रहे हो, देखने में जैसे लगते हैं। इतनी चमक आती क्यों, इतनी चमक इसीलिए आती है, सॉलिड ब्लैक ऐसी शाइन नहीं देगा, हल्का हल्का इसमें पर्ल इफेक्ट है। तो भाई इस तरह से रियर लुक है, लाइट है, ऑल LED सेटअप है, ये ऑलवेज ऑन मोड में रहती है, जैसे हमारी लाइट जलती है वैसे। ये हमारे स्टॉप लैंप है, ये इंडिकेटर, हाँ ऑल LED में बस ये इंडिकेटर ही छूट जाता है, ये हमारा हैलोजन ही है। और नीचे आपको मिल जाता है रिवर्स लैंप, यहाँ पर भी दोनों साइड, और आगे की तरह पीछे भी स्किड प्लेट मिल जाती है। कैमरा ज़रूर मिल रहा है, 360 थोड़ा मिस हो रहा है इसमें, अब आगे अपडेट आएगा तो भाई ज़रूर ऐड होगा इसमें, क्योंकि इस सेगमेंट में और इस प्राइसिंग के हिसाब से करीब 20,65,000 की अगर पड़ रही है गाड़ी ऑन रोड। उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, बिंदल हुंडई में मैं हूँ, नंबर वगैरह डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके पता कर लेना जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है। फिलहाल अगर 20,70,000 की पड़ रही है तो उसके अकॉर्डिंग इसमें फ़ीचर थोड़े से मिस हो जाते हैं, और बहुत जल्दी भाई अपडेट आएगा तो वो भी दूर कर देंगे। फिलहाल यहाँ देखते हैं तो फ्यूल फिलर कैप डीजल जैसे मैंने बताया, तो भाई इसमें आपको मिल जाती है कैपेसिटी 50 लीटर की। अब भाई ये तो हो गई कहानी, कहीं पर निशान वगैरह अलग ही दिख जाता है, इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर प्यार से आप पीछे से देखना शुरू करोगे ना तो अलग ही खटक जाएगा। एक ये मतलब एक USP माने इसकी ब्लैक कलर की, कि अगर PDI हम कर रहे हैं तो उसमें आपको एक भी स्पॉट दिख जाएगा। और एक ये मानो भाई डिसएडवांटेज, कि अगर आप गाड़ी लेके चले गए हो घर में तो कहीं भी जरा सा भी निशान लगा तो वह चमकने लगेगा। इस तरह से डोर हैंडल पर ही मिल जाता है आपको यहाँ पर सेंसर, रिक्वेस्ट सेंसर बटन, यार चाबी तो दिखाई दी थी आपको, ये हो गया लॉक अनलॉक, ये होल्ड करके स्टार्ट हो जाती है, इसे होल्ड करके रखते हैं बूट, ये अनलॉक हो जाता है। खैर इसको बूट रिलीज बोला जाता है, लेकिन भाई रिलीज़ तो होता ही नहीं है, केवल अनलॉक होता ही है, तो भाई हिसाब से बोलना पड़ेगा, क्योंकि जो सेडान है उसमें रिलीज़ हो जाता है पूरा, इसमें हमारा केवल अनलॉक होता है, तो बूट अनलॉक का बटन कहेंगे इसे। बाकी कोई भी अंदर मतलब फिजिकल की अंदर ही फिट है इसके, उसकी तो ज़रूरत है ही नहीं हमें। फिलहाल एक बार खोलते हैं गेट, लॉक है ये अभी, ये हो गए हमारे ओपन, और भाई इस तरह का आपको मिलता है अंदर, ग्रीज कलर मिला हुआ है ब्लैक के साथ। इंटीरियर की पूरी थीम जो हमारी वही है, यहाँ पर आपको लेदरेट मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है प्लास्टिक, लेदरेट सिर्फ यहीं पर मिल रहा है, और बाकी एक बार यहाँ पर भी आऊँगा, देख रहे हो बोस लिखा हुआ है, तो बोस पर भी अभी आते हैं। फिलहाल चारों पावर विंडो मिल रही हैं आपको, और ये हमारी ड्राइवर साइड जो है वही ऑटो अप ऑटो डाउन दोनों मिल जाते हैं। ये हो गया हमारे ऑटो फोल्ड करने के लिए, और उसके साथ ये हमारा एडजस्ट करने के लिए मिरर को। अब आती है बात यहाँ की बोस की, तो भाई बोस भाई चार स्पीकर, ठीक है अभी रुक जाओ, चार स्पीकर, एक दो दो ट्विटर, और उसके साथ साथ एक यहाँ पर हो गया हमारा स्पीकर, ये भी, ये देखो आगे देख रहे हो, ये स्पीकर है, और इसके साथ एक सबवूफर पीछे भाई बूट में रखा हुआ है। तो इस तरह का सेटअप है, आवाज़ क्या प्यारी आती है। और आप सोचोगे ना भाई सबवूफर लगाए तो एम्प भी अलग से लगता ही है, जैसे आफ्टर मार्केट में लगाते हैं, तो बिल्कुल भाई इसमें एम्प लगा हुआ होता है यहाँ पर इस सीट के नीचे, अभी जब उधर से होऊंगा तब दिखाऊंगा, सीट के नीचे एम्प लगा रहता है, पावर और आउटपुट गजब का मिल जाता है। और फुल भी कर दोगे ना तो ये ऐसा नहीं है बिल्कुल ही आवाज़ बढ़ती जाएगी फटने लगेगी, ना ना ना, टॉप बिल्कुल जो लास्ट पॉइंट जाएगा फटेगी नहीं आवाज़, लेकिन धमाका ज़बरदस्त करती है। नीचे आपको मिल जाता है बॉटल होल्डर और छुटपुट सामान यहाँ रखने की जगह है। अब आती है बात यहाँ पर भाई, इसका फ्लैट यहाँ पर कंपनी दे रही है, इस तरह से आपको स्क्रैचेस वगैरह ना लगे। और अब आती है बात सीट की, अब लग्जरी है प्रीमियम है तो क्या चीज़ मिलती है लग्जरी में। सबसे पहले तो वहाँ का जो शीशा है उसे करता हूँ मैं बंद, वो हो गया वहाँ पर बंद, अब उधर से आवाज़ कम आएगी, रोड उधर ही चल रही है, तो भाई इसको भी कर देते हो ऑफ, फिलहाल स्टार्ट करके दोबारा दिखाऊंगा। तो भाई यहाँ पर सीट मिल रही है आपको, सीट पूरी लेदरेट है, और भाई परफोरेटेड आपको दिख रहा है ये रहा, इसीलिए क्योंकि वेंटिलेटेड सीट्स मिल रही हैं, आगे की दोनों सीट्स वेंटिलेटेड है भाई, पावर सीट्स मिल जाती हैं, क्या बात है, देख रहे हो हाइट ऊपर नीचे इस तरह से भाई, पूरी की पूरी पावर एडजस्टेबल है। यहाँ पर देखते हैं एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, पीछे भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, ये मिल जाते हैं। और बाकी क्या चीज़, अब बाकी और करना क्या है, अपने चढ़ते हैं यहाँ पर और नज़ारे लेते हैं यहाँ के, टू 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 ये करता रहेगा, इसको कर लेते हैं यहाँ पर बंद, ये हो गया कुछ डोर बंद।
तो भाई ये है कुछ इंटीरियर आपका, देखने में मस्त लगता है। यहाँ पर फील होता है कि भाई ऐसा होगा, स्टिचिंग वगैरह सॉफ्ट टच है, लेकिन नहीं, हार्ड ही है, खाली यहाँ पर डिज़ाइन बना हुआ ही है। इस तरह से आपको ग्रीज के साथ ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर देखते हैं तो IRVM हमारा डे एंड नाइट ऑटो डिमिंग मिल रहा है, ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी है, वही मोबाइल से टेलीमेटिक्स फीचर जो होते हैं मोबाइल से सारी की सारी, कहाँ गाड़ी है, क्या हेल्थ है और किस जगह जा रही है, स्पीड वगैरह सारी चीज़ आप देख सकते हैं। SOS का बटन दिया हुआ है, कुछ भी RSA वगैरह को आप हेल्प के लिए वन टच में कनेक्ट हो जाओगे। यहाँ पर मिल जाता है आपको इस तरह से सनग्लास होल्डर, LED लाइट्स हैं ये भी, और अभी ऊपर की भी कहानी बची है। बिल्कुल भाई, सनरूफ पूरी पैनोरमिक मिलती है इसमें, उस पर भी आएंगे। फिलहाल स्पीकर आपको ये बता ही दिया यहाँ पर, और ये हो गया हमारा 10 इंच का, 10.25 इंच का म्यूजिक प्लेयर, और आवाज़ यही भाई कंट्रोल करता है, धमाकेदार है, बढ़िया है, सब कुछ इसमें मिल जाता है। मतलब आपको ब्लू लिंक यहाँ से भी कंट्रोल कर लोगे आप, उसके साथ साथ जो हमारा मैप वगैरह है वो भी आपको इसमें मिलता रहेगा। देखने में अच्छा अच्छा जला ही देता हूँ ना, इधर उधर की बातें क्या करें। ये आपको मिल रहा है एसेसरी, और भाई ये हो गया। अब एक बार पार्क मोड में तो है ही, एक बार इसको स्टार्ट ही कर लेते हैं। क्या बात है, गाड़ी हो गई स्टार्ट। ये है कुछ इस तरह का यहाँ पर हमारा जो आपको क्लस्टर मिल रहा है, वो पूरा का पूरा डिजिटल है। ओके भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। तो भाई यहाँ कर दिया हमारा वेलकम, और ऑटोमेटिक AC भाई हो जा चालू, धीरे धीरे जैसे सेंस करेगा, देखो धीरे धीरे यहाँ पर ये बढ़ाता जाएगा, स्पीड बढ़ती जा रही है जैसा सेंसर सेंस कर रहा है। तो भाई इतनी तेज तो चाहिए नहीं, इसको अपने हिसाब से हम कर लेते हैं, और ये यहाँ पर टेम्परेचर भी लो पे कर देते हैं। ठीक है, अब सही है, इसको कर लेते हैं यहाँ से बंद। तो भाई ये है कुछ कहानी, म्यूज़िक सिस्टम जैसा मैंने आपको बताया, ये आपको इस तरह का मिल जाता है, टच वगैरह सब सही है। ऊपर तो फिल्म भी लगी हुई है, ये भी उतरेगी। खैर, ये देख रहे हो ऑटो हेल्दी एयर, तो ये क्या है भाई, इसमें एयर प्योरीफायर भी आपको दिया हुआ है, यहीं पर ही है ये रहा, इस तरह से आपको दिया हुआ है, और भाई यही चलेगा, अंदर की एयर जो है कैबिन की वो प्योरीफाई करता रहेगा। और आर्म रेस्ट हमारा यहाँ पर स्पेस भी दिया हुआ है, यहाँ से एयर लेता है, यहाँ से एयर पीछे से छोड़ता रहता है, इस तरह से काम करेगा। और नीचे आपको बटन्स वगैरह दिए हुए हैं, वन टच में ही आप सीधा वही खोल लोगे, जैसे रेडियो, मीडिया, नेविगेशन, मैप, सारी चीज़ें वन टच में ही हो जाएगा, और उसके अलावा सेटिंग वगैरह। और हाँ, एक चीज़ और भाई, इसमें एम्बियंट लाइटिंग भी है यहाँ पर ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक और इतने से पीस में एम्बियंट लाइटिंग, मतलब ब्लू कलर की लाइटिंग जलती रहती है, जैसा ये आपको ये ब्लू दिख रहा है ये रहा, ऐसे ही ब्लू जलता है। और भाई क्या बात है, ये आपको स्क्रीन मिलती है, 8 इंच स्क्रीन है, और लोगों को पसंद क्या आता है, जो हमारा एनालॉग डायल है वही तो भाई डिजिटल के अंदर एनालॉग डाल दिए। यहाँ पर आपको जो हमारा गियर मोड है वो दिख जाएगा, जैसे पार्क मोड में है या आर रिवर्स, जैसे ही जिस मोड में आएगा वैसे ही वो बड़ा सा हो जाएगा। जैसे अभी देखो मैं लगाता हूँ यहाँ पर ये, और भाई इस तरह से हमारा रिवर्स में लग गया, ये हमारा यहाँ आ गया। यह पीछे कैमरा क्वालिटी बढ़िया है भाई, अच्छे। और ये अगर न्यूट्रल पर डालें तो भाई न्यूट्रल हो गया, और अगर ड्राइव पर डालें तो ड्राइव हो गया। इस तरह से इसको यहाँ पर करते हैं, और स्मूथ काफ़ी है, असल चीज़ है। देखो यहाँ पर आपको ये इस तरह से दिया हुआ है हल्का सा दबाने के लिए, और देखो क्या प्रीमियम लग रहा है यार। इसको ज़रा ऐसे करते हैं, ये हमारा हो गया, और पीछे को क्या गजब चीज़ आ रही है, फीलिंग मस्त आती है भाई ऑटोमेटिक में। पैसे खर्च होते हैं, लेकिन भाई अगर आप बैठोगे अंदर, ये चीज़ें फील करोगे ना, क्लस्टर वगैरह और सेंटर कंसोल वगैरह, तो भाई मज़ा सा अलग आएगा। यहाँ पर भी आपको दिया हुआ, देखो ड्राइव में है तो डी अभी जल रहा है ये रहा, इस तरह से पी में डाल देता तो पी जलने लगेगा। यहाँ पर आपको ड्राइव और ट्रैक्शन कंट्रोल बिल्कुल भाई, ये देख रहे हो कम्फर्ट मोड, और इसको घुमाएंगे अगर, ये इस तरह से घूमता है। और भाई मड, सैंड, मल्टी ड्राइव मोड भी आपको दिए हुए हैं, स्नो मोड, ठीक है, मड मोड, सैंड मोड, ये तीनों के तीनों आप दिख रहे होंगे, ठीक है, ये हो गया। और बाकी आप ट्रैक्शन की बात करें तो भाई आपको कम्फर्ट, ईको और स्पोर्ट, ओए होए होए भाई लाल हो गया, मतलब रॉकेट बिल्कुल हो चुका है। यहाँ पर हो गया हमारा इको मोड, बहुत आराम आराम से, मतलब उतनी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं चलेगी गाड़ी, और भाई कंफर्ट मोड में नॉर्मल रहेगा, बाय डिफ़ॉल्ट यही रहता है। इस तरह से ये दिया हुआ है यहाँ पर, मस्त है। यहाँ पर हमको मिल रहा है पार्किंग ब्रेक, बिल्कुल कहीं आपको लीवर नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, उसके साथ ऑटो होल्ड, मतलब ट्रैफिक में आप चलते हैं तो ब्रेक दबा के नहीं रखनी आपको, जैसे आप ब्रेक लगाएंगे और पैर हटा लेंगे तो भाई ये ब्रेक लगी रह जाएगी, यहाँ पर गाड़ी रुकी रहेगी, चाहे ढलान पर हो चाहे कुछ हो, हल्का सा रेस दोगे तब एकदम से वो रिलीज हो जाएगी ऑटोमेटिकली, मस्त है ये चीज़ भी। यहाँ पर आपको मिलता है भाई, जैसे मैंने बताया वेंटिलेटेड है, इस तरह से हमारे यहाँ पर नंबर आ रहे हैं, और भाई धीरे धीरे से हवा आनी शुरू हो जाती है AC की। नीचे दोनों सीटें हैं तो दोनों यहाँ बटन होगा, और ये व्यू यहाँ पर दिया हुआ है भाई, इसको दबाएंगे तो गाड़ी जब चल रही होगी ना हमारी, जैसे ड्राइव मोड डाल दिया हमने और ये दबाया हमने यहाँ पर, ये देखो
ये हम चलते चलते इस तरह से व्यू देख सकते हैं। इसको फिट कर दे पार्क मोड में, यहाँ पर स्पेस दे दिया आपको एक्स्ट्रा हमारे जो ग्लास वगैरह रखने के लिए वो। तो भाई इस तरह से हो जाती है हमारी कहानी यहाँ पर पूरी। अब बात आती है स्टेयरिंग की, पूरा का पूरा लेदर रैप्ड है, मस्त लग रहा है देखने में, और हॉर्न पों पों वाला है, इससे तो प्यार अलग है भाई। पर्सनली बहुत मोहब्बत है इस हॉर्न से, पता नहीं क्या चीज़ है। यहाँ देखते हैं तो भाई आपको मिल जाता है क्रूज कंट्रोल, और उसके साथ साथ जो क्लस्टर है हमारा उसको कंट्रोल करने के लिए ये कंट्रोल्स हो गए। यहाँ पर देखते हैं तो वॉइस कमांड, और उसके अलावा टेलीफोनिक है, और म्यूजिक सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। ये हो गया फ्लैट बॉटम है, और काफ़ी अच्छा बटरफ्लाई स्टाइल है, मस्त लगता है देखने में। उसके साथ साथ भाई ये दिख रहे हैं आपको, क्या बात है भाई, ये जो यहाँ दिख रहा है ना आपको डी के बाद एस, तो बिल्कुल भाई ये स्पोर्ट मोड है, ओवरराइड कर लेगा आपके जो हमारा ड्राइव मोड है उसको मैनुअली सटासट, प्लस माइनस जैसे चलानी है रॉकेट की तरह, दोनों हाथों को इस पोजीशन में रख के ऐसे, और भाई सटासट मस्त घोड़े दौड़ेंगे बिल्कुल। इस तरह से आपको ये स्टेयरिंग मिल जाता है, पूरी की पूरी जो हमारी ट्रांसमिशन की टेक्नोलॉजी वो मिल जाती है। यहीं अगर मैनुअल होता तो भाई मैनुअल जैसा गियर बॉक्स है 6 स्पीड का इसमें आता है वो होता है यहाँ पर, और कोई डिफरेंस नहीं है। और भाई यहाँ देखते हैं तो भाई यहाँ पर आपको मिल जाता है वाइपर का स्टॉक, और यहाँ पर देखते हैं तो भाई हेडलैम्प का स्टॉक है, और ये ऑटोमेटिक है बिल्कुल भाई, जैसी लाइट डाउन होगी अपने आप ही लाइटें जल जाएंगी। ये देखते हैं हम तो इसको देखते हैं, एडजस्टमेंट बिल्कुल टिल्ट है, और अरे भाई टिल्ट ही है बस, टेलीस्कोपिक ना, टेलीस्कोपिक है ही नहीं भाई, इसमें मज़ा नहीं है, टॉप एंड है भाई, टॉप एंड में भाई इतने पैसे दे रहे हैं हम तो ये होना चाहिए था, ये थोड़ी सी कमी लगी। यहाँ पर देखते हैं तो वही बटन है भाई इंजन स्टार्ट स्टॉप का, ये हो गया ट्रैक्शन ऑफ करने के लिए, और उसके साथ हेडलाइट के लेवल को एडजस्ट करने के लिए। तो भाई ये हो गई पूरी कहानी गाड़ी की, मतलब आगे के हिस्से की। नीचे आपको ऑटो एसी मिल जाता है बिल्कुल, क्लाइमेट कंट्रोल है, ये हो गए कंट्रोल्स। यहाँ पर नीचे देखते हैं 12 वोल्ट का सॉकेट है, ये यूएसबी हो गया हमारा, इसमें कुछ भी सोर्स इन करने के लिए, उसके साथ साथ ये हो गया चार्ज करने के लिए। बाय द वे वायरलेस चार्जर भी यहाँ पर आपको मिल जाता है इस जगह। और ये देखो ज़रा 12 मार्च को ये गाड़ी बनी हुई है, आप देख रहे हो कितने डिमांड है भाई, 12 मार्च को गाड़ी बनी है, और आज डेट क्या है भाई, आज डेट हो गई 21 तारीख, प्लांट से डिस्पैच होकर ह्यूंडई की है, कोई मारुति की नहीं जो जल्दी आ जाएगी हमारे यहाँ, क्योंकि मारुति की जल्दी आ जाती है, तो भाई वहाँ से डिस्पैच होकर यहाँ तक पहुँच भी गई है गाड़ी, और निकल भी जाएगी बहुत जल्दी। तो ये बात है भाई, इतनी मारा मारी है। यहाँ देखते हैं तो इस तरह से स्पेस मिल जाता है, कूल्ड है ये भी, और बढ़िया है, ठीक है स्पेस। तो इस तरह से कहानी है आगे की पूरी कंप्लीट। और अब आ जाती है भाई कहानी यहाँ पर, मतलब ये जो बटन है ना बीच वाला, ये कंट्रोल करेगा पूरी हमारी। इस चीज़ के बहुत पैसे, 2 लाख रुपए की आती है भाई स्पेयर में, अगर देखते हैं हम स्पेयर पार्ट में कभी फूट वूट गई और भाई इंश्योरेंस में नहीं है कवरेज, तो यही यही कांच का टुकड़ा, कांच का टुकड़ा ही कहूँगा भाई 2 लाख रुपए का। इसको जरा सा करता है पीछे, ओए होए होए क्या बात है, ब्लाइंड पूरा हट गया, ये ऊपर ऐसे इसीलिए दिख रहा है, ऊपर रैप चढ़ रही है पूरी की पूरी इस पर, और बाकी अभी इसे खोलूंगा नहीं क्योंकि वो चिपक रही है इसके ऊपर इसीलिए, और बाकी खोल के करना भी क्या, धूप सीधा अंदर ही आएगी। फिलहाल इस तरह का ये इतना पोर्शन आपका खुल जाता है, जानते ही हो, बाकी लुक तो पूरा ऐसे ही आता है ज़बरदस्त, पैसे लगते हैं तो भाई फीलिंग तो आती आती है। ये हो गई कहानी पूरी यहाँ के इंटीरियर की। फिलहाल अपने हिसाब से मैं कर लेता हूँ सीट एडजस्ट, एक बार इसे आगे करता हूँ सीट को, क्योंकि काफ़ी पीछे हो रही थी। हाँ अपने हिसाब से अपनी हो गई है सीट एडजस्ट, अब जरा निकलते हैं बाहर और पीछे देखते हैं। अब देखते हैं रियर का स्पेस, तो भाई ये है कुछ कहानी रियर की, वैसे ही जैसे बोस की ब्रांडिंग बताई थी वही चीज़ है, और ब्लाइंड पीछे ऐसे मिल जाते हैं आपको, मतलब इसमें चालान वगैरह नहीं होगा भाई, पता नहीं सिस्टम समझ नहीं आता ये क्या है। इसमें भी आपको धूप से बचाव हो रहा है, जो ऊपर से लगाते हैं उसमें भी धूप से बचाव है, लेकिन भाई उसमें चालान काट देते हैं, इसमें चालान नहीं कटेगा क्योंकि ये कंपनी दे रही है, क्या कहें, चलो छोड़ो भाई। यहाँ पर आपको वही लेदर एट फील, नीचे बॉटल होल्डर, बोस की ब्रांडिंग, और इस तरह से छोटी सी सिलप्लेट यहाँ पर मिलती है, वैसे ही जैसे आगे की परफोरेटेड सीट्स हैं वैसे ही पीछे भी मिलती है, लेकिन भाई पीछे आपको वेंटिलेशन नहीं मिलता। 60-40 वाला स्प्लिट सीट ऑप्शन दिया हुआ है, और अच्छी चीज़ क्या है, इस तरह से हेड कुशन भी है, बहुत सॉफ्ट है ये, ऊपर से लगे हुए हैं, हेडरेस्ट तो हैं एडजस्टेबल, ये ऊपर से लगे हुए हैं क्रेटा ब्रांडिंग वाले, बीच में आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है, और भाई मस्त लग रहा है इंटीरियर, और पीछे पूरी सनरूफ खुल जाती है, मतलब केवल केवल ब्लाइंड खुल जाता है, तब मज़ा अलग आता है। और यहाँ पर आपको मिल रहे हैं इस तरह से एसी वेंट्स, नीचे फ़ोन रखने की जगह, ये हो गया यूएसबी सॉकेट, और हम ठीक है, ज़्यादा ऊंचा नहीं है। इस तरह से पूरी कहानी जो मैं बता रहा था आपको, एयर फिल्टर वो ये यहाँ से आउटलेट है इसका, तो ये पूरी कहानी। अब आती है बात एयरबैग्स की, तो भाई इसमें मिल रहे हैं आपको 6 एयरबैग बिल्कुल, 2 सामने हो गए, 2 सीट्स के साइड में हो गए, और भाई 2 हो गए हमारे कर्टन एयरबैग, मतलब टोटल 6 एयरबैग है। इस तरह से ये हो गई कहानी पीछे के स्पेस की, और स्पेस तो भाई लैब रूम तो बहुत ही है, 2610 mm का हमारा जो व्हील बेस है वो कहाँ दिखता है, वो यहीं तो दिखता है, और एक और चीज़ में दिखेगा वो है ये, क्या बात है, 433 लीटर का आपको 433 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है,
बहुत स्पेस है और भाई पूरा का पूरा फ्लैट है। इस तरह से सामान सीधा ऐसे स्लाइड करो, स्लाइड करके निकाल लो। बढ़िया, जो मैं बता रहा था आपको बोस का, आपको यहाँ पर ब्रांडिंग के साथ मिल जाता है सब वूफर। और अभी वो दिखाना रह गया, वो भी दिखाऊंगा, एम्प जो लगा आता है इसमें। पार्सल ट्रे लगी हुई है, यहाँ पर आपको लैंप मिल जाती है इस तरह से। और एक बार देखते हैं, यहाँ पर 205/65R16 का आपको स्पेयर व्हील मिलता है और भाई होना ही है थोड़ा सा छोटा। तो ये हो गई कहानी पीछे की। ट्रिम पूरी, मतलब हुंडई में कहीं कॉस्ट कटिंग नहीं मिलती, इसीलिए क्योंकि वो कॉस्ट कटिंग में बिलीव ही नहीं रखते, वो सीधा पैसे बढ़ा देते हैं। पता है लोग देंगे, अलग अलग तरह के कस्टमर होते हैं। कुछ लोगों को खटकने लगती है चीज़ कि भाई यार महंगी होती आ रही है गाड़ी, लेकिन वही कहीं ना कहीं जो दूसरे ब्रांड है वो कुछ फीचर काटने लगेंगे या कॉस्ट कटिंग दिखने लगेगी, तो वो भी बुरा सा लगता है, वो अच्छा नहीं लगता। तभी बंदा कहता है यार इससे अच्छा तो थोड़े पैसे और ले लेते। तो भाई ये आपको मिल जाता है यहाँ पर, ये देख रहे हो, ये आपको रखा हुआ दिख रहा है, ये यहाँ पर है हमारा जो एम्प है, जो हमारे सबवूफर लग रहा है उसका एम्पलीफायर यहाँ पर इस जगह लगा हुआ है जो मैं आपको बता रहा था। तो भाई इस तरह से गाड़ी हमारी कंप्लीट हो जाती है, अंदर बाहर सारी चीज़ें देख ही ली हैं कुल मिला के। अब बात आती है इसके इंजन की, एक बार बोनट खोलते हैं ज़रा, क्या बात है। दो ही पैडल हैं भाई, ये दिखाना भूल गया, ऑटोमेटिक है। मैनुअल होगा तो उसमें तीन होंगे, वहाँ डेड पैडल दोनों में ही मिल जाएगा। अरे भाई बहुत भारी, क्योंकि बोनट की लेंथ भी बहुत बढ़िया भाई, पूरा का पूरा इंसुलेशन दिया हुआ है, ज़रूरत ज़्यादा है नहीं। CIDI 16 वॉल्व यहाँ पर लिखा हुआ है, 1500 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन है। और अगर पावर की बात करें तो करीब करीब 114-115 bhp की पावर दे देता है। और टॉर्क की बात करें तो 250 Nm का आपको ये टॉर्क दे देता है, बहुत है, बढ़िया है, पावर की कोई कमी नहीं। और जब टॉर्क कन्वर्टर जुड़ जाता है इसके साथ, मतलब ऑटोमेटिक की बात करें अगर, तो टॉर्क कन्वर्टर जब जुड़ जाता है 6 स्पीड, तो परफॉर्मेंस अलग ही लेवल पर हो जाती है। 19 की माइलेज कंपनी बताती है इसमें मैनुअल में आपको मिल जाती है, 21 की कंपनी की बताई हुई। ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, सब कुछ इसमें आपको मिल जाता है भाई। इस तरह से गाड़ी हो जाती है कंप्लीट अपनी। और अगर पैसों की बात करें तो करीब करीब 17,85,000 रुपये की एक्स शोरूम पड़ जाती है आपको, अगर मैं ऑटोमेटिक की ही बात करूँ। बिल्कुल SX ऑप्शनल डीजल ऑटोमेटिक 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर के साथ। और ऑन रोड मैं हूँ इस समय बिंदल हुंडई रुद्रपुर में, यहाँ पर देखते हैं आप तो ये पड़ जाती है करीब 20,70,000 रुपये की ऑन रोड। और अगर इसके मैनुअल की बात करें, ऑटोमेटिक की तरफ ना जाएं, तो इसमें आपके करीब 1,60,000 रुपये कम हो जाएंगे, मतलब 19,20,000 रुपये के करीब करीब वो आपको पड़ जाएगी ऑन रोड। तो भाई इस तरह से गाड़ी हो जाती है कम्प्लीट। चीज़ तो है यार, कुछ कुछ है बात इसमें, और वही बात भाई आपको सड़कों पर दिखती है वही चीज़। ऐसा नहीं है मुझे ही अलग पसंद आ रही है, ये आती है लोगों को भी पसंद। जो भी इसको मना करता है हमें पसंद नहीं है, तो भाई कहीं ना कहीं वो इसकी प्राइसिंग को देखकर कह जाता है, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता इस सेगमेंट की गाड़ी इस प्राइस ब्रैकेट में और इतनी लग्जरी के साथ। तो भाई ये हो जाती है गाड़ी कंप्लीट। अगर आपको गाड़ी अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लेना संस्कारी सुनो चैनल को। जय हिंद।